राय की कासुंदी बंगाल में बनाई जाने वाली एक मजेदार चटनी है जो किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बना देगी। इसमें दोनों पीली और काली राय पड़ती है। इन्हें हरी मिर्च के साथ कम से कम 8 घंटों के लिए पानी में भिगोए। कम तीखेपन के लिए मिर्च और काली राय की मात्रा घटा दे। अब इसमें डाले लहसुन, अदरक, शक्कर और नमक। मिक्सर चलाकर इसका पेस्ट बना ले। इतिहास हमें बताता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बंगाली ब्राह्मण लक्ष्मी पूजन के लिए कासुंदी बनाया करते थे। कासुंदी को पतला करने के लिए आप पानी भी डाल सकते हैं। स्वाद को संतुलन में लाने के लिए नींबू का रस डालें। इसमें खटास के लिए एप्पल साइडर विनेगर भी डालें। अगर आप अपनी फेवरेट रेसिपी हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखकर भेजें। और बस तैयार हो गई ये स्वादिष्ट कासुंदी ग्लैमरस किचन की तरफ से। देखने के लिए धन्यवाद।